हेलो दोस्तों, पाकी हो रही है कंगाली और दूतावास हो रहे हैं खाली। सैलरी नहीं मिली तो नौकरी छोड़ रहे हैं कर्मचारी। पाकिस्तान की कंगाली, विदेशों में स्थित पाकिस्तान दूतावास बेहाल हो चुका है। अमेरिका स्थित पाकिस्तान के दूतावास के पास इतने पैसे नहीं है कि स्टाफ को सैलरी दी जा सके। स्टाफ को सैलरी देने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले महीने कहा था कि उनके देश को चलाने के लिए पैसे नहीं है और देश पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ऐसी खबर आ रही है कि विदेशों में स्थित पाकिस्तानी दूतावास कंगाल हो चुके हैं। अमेरिका स्थित पाकिस्तान के दूतावास के पास इतने पैसे नहीं है कि स्टाफ को सैलरी दी जा सके। तो कई स्टाफ नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट द न्यूज ने एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दूतावास में अनुबंध पर काम करने वाले करीब 5 कर्मचारियों को अगस्त महीने से ही सैलरी नहीं मिली। रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 में से एक स्टाफ जो कि 10 साल से दूतावास में नौकरी कर रहा था, उसने सैलरी में देरी की वजह से नौकरी छोड़ दी। पाकिस्तान के दूतावास के स्थानीय कर्मचारी को वार्षिक अनुबंध पर नियुक्त किया गया। उम्मीदें था कि न्यूनतम सैलरी के हिसाब से इन कर्मचारी के $2,000 से $2,500 प्रति महीने देने होते। दूतावास में नियुक्त स्थानीय कर्मचारी चाहे परमानेंट हो या अनुबंध पर, उन्हें विदेशी कर्मचारी की तरह कोई भी विशेष अधिकार नहीं मिलता। इन स्थानीय स्टाफ को काउंसलर सेक्शन में भी जहाँ पासपोर्ट सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन के साथ साथ अमेरिका में रहने वाली पाकिस्तानियों की मदद के लिए नियुक्त किया जाता है। सूत्रों के अनुसार ऐसे कर्मचारी को वेतन पाकिस्तान कम्युनिटी वेलफेयर फंड यानी कि CEW से मिलता है। CEW यह फंड स्थानीय सर्विस फंड चलाता है। स्टाफ को सैलरी देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पाकिस्तान दूतावास से जुड़े लोगों का कहना है कि PCEW फंड पिछले साल ही खाली हो गया था। कोविड 19 की महामारी के दौरान उस पैसे को इस्तेमाल कर वेंटिलेटर और मेडिकल उपकरण खरीद कर लिए। बताया जा रहा है कि स्थानीय स्टाफ को सैलरी देने के लिए भी कर्ज का सहारा लेना पड़ा। रिपोर्ट की बात करें तो इसी जिक्र को स्थानीय कर्मचारियों ने अक्टूबर में सैलरी को लेकर दूतावास से चिट्ठी लिखी थी। दूतावास ने इस मामले को लगातार इस्लामाबाद के विदेशी कार्यालय में उठाया, जिससे पिछले हफ्ते ही स्टाफ को सैलरी मिली है। और पिछले हफ्ते ही सभी युद्ध में पाकिस्तान दूतावास के अधिकारी ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर पाकिस्तान की आर्थिक पहले पर निशाना साधा गया। ट्वीट में लिखा गया था कि महंगाई सारा रिकॉर्ड तोड़ रही है, इमरान खान आप ये कब तक उम्मीद करते हैं कि हम सरकारी अधिकारी 3 महीने से बिना वेतन के चुपचाप आपके लिए काम करते रहे। हमारे बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। क्या यही नया पाकिस्तान है? हालांकि बात है पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय ने सफाई दी थी कि दूतावास का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। तो दोस्तों, आप अपनी राय यहाँ पर नीचे कमेंट में बता सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।